बद्रीनाथ मंदिर से जुड़े हुए पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाक्रम की सीरीज के इस पांचवें भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक के पिछले सभी वीडियो में मैंने आपसे बद्रीनाथ मंदिर के नामकरण, मंदिर में भगवान विष्णु के विग्रह की स्थापना और मंदिर से जुड़े हुए पौराणिक इतिहास के बारे में बात की है। अगर आपने इस सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन पर इस सीरीज के पिछले सभी वीडियो के लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से आप पिछले सभी वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले दो महान तपस्वी नर और नारायण के बारे में, जिन्होंने केदारनाथ में कठोर तपस्या करके भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया और उसके बाद अलकनंदा नदी के पास में एक आश्रम बनाया जिसे आगे चलकर बद्रीनाथ के नाम से जाना गया। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए जानते हैं नर और नारायण के बद्रीनाथ मंदिर से जुड़े हुए हमारे पौराणिक इतिहास के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में ऋषि मुनियों के द्वारा समय समय पर ऐसे बहुत सारे ग्रंथ और पुराण लिखे गए हैं जिनकी वजह से हमें हमारे पौराणिक इतिहास के बारे में जानने में मदद मिलती रहती है। ऐसा ही एक पुराण है विष्णु पुराण, जिसकी रचना महर्षि वशिष्ठ के पुत्र और वेदव्यास के पिता पारस ऋषि ने की है। विष्णु पुराण में हमें केदारनाथ और बद्रीनाथ से जुड़े हुए हमारे पौराणिक इतिहास के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। आप जब विष्णु पुराण पढ़ते हैं तब आपको नर और नारायण नाम के दो महान तपस्वियों के बारे में जानने को मिलता है। नर और नारायण भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते थे और इन दोनों महान तपस्वियों का जन्म माता रुचि, जो कि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र धर्म की पत्नी थी, के गर्भ से हुआ था। पृथ्वी पर आने के बाद नर और नारायण ने मानव मात्र के कल्याण के कार्य शुरू कर दिए थे और इसी क्रम में इन दोनों महान तपस्वियों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई हजार वर्षों तक एक पेड़ पर खड़े रहकर कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने आप को केदारनाथ में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। केदारनाथ में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित करने के बाद यह दोनों तपस्वी अपने लिए एक आश्रम की खोज में लग गए। अपने लिए एक उपयुक्त आश्रम ढूंढते ढूंढते नर और नारायण ने वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नाम के स्थानों की खोज की और यहाँ पर आश्रम स्थापित किए। लेकिन अभी तक इन दोनों तपस्वियों को ऐसा उपयुक्त स्थान नहीं मिलता जहाँ पर यह अपने लिए आश्रम स्थापित करके तपस्या कर सके। कुछ समय के बाद अपने लिए आश्रम ढूंढते हुए नर और नारायण अलकनंदा नदी के पास पहुंचते हैं जहां पर इनको गर्म और ठंडे पानी की धारा बहती हुई मिलती है। अलकनंदा नदी के पास में स्थित यह स्थान नर और नारायण को बेहद पसंद आता है, इसलिए वह दोनों अपने लिए यहां पर एक आश्रम स्थापित करते हैं और यहां पर तपस्या करनी शुरू कर देते हैं। इसके कुछ वर्षों के बाद ही इस स्थान को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाने लगता है। वर्तमान में बद्रीनाथ मंदिर नर और नारायण नाम के दो पहाड़ों के बीच में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि नर और नारायण आज भी गहन तपस्या में लीन है। विष्णु पुराण के अलावा महाभारत में भी नर और नारायण का उल्लेख देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि नर और नारायण ने ही महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में जन्म लिया था। कुछ अन्य पौराणिक कथाएं भी महाभारत और बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ी हुई है, जैसे कि ऋषि वेद व्यास ने महाभारत इस स्थान पर लिखी थी। इसके अलावा महाभारत से जुड़ी हुई एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने बद्रीनाथ आकर अपने पितरों का पिंडदान किया था। आज भी बद्रीनाथ के पास में स्थित ब्रह्मकपाल नाम की जगह पर तीर्थयात्री और स्थानीय निवासी आकर अपने पितरों का पिंडदान किया करते हैं। तो यह तो था बद्रीनाथ मंदिर और नर नारायण से जुड़ा हुआ हमारा पौराणिक इतिहास। आशा है बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ी हुई यह पौराणिक जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस सीरीज के आगे आने वाले वीडियोज में हम बात करेंगे बद्रीनाथ मंदिर से जुड़े हुए इतिहास के बारे में, इसीलिए जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री से। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो से जुड़े हुए आपके विचार मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हो सके तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अपने देश की किसी अन्य खूबसूरत जगह के साथ, तब तक के लिए राम राम और धन्यवाद।